हेलो दोस्तों, वेलकम टू मेन पॉइंट स्टडी। सो आज हम करने वाले हैं चैप्टर नंबर 1 क्लास 11 का पोल साइंस का, जिसका नाम है जी कॉन्स्टिट्यूशन। और हम करने वाले हैं इसका पार्ट 3, यानी फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट मैं पहले अपलोड कर चुका हूँ। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, बेसिकली प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा, ठीक है। जैसे आप उस पर क्लिक करोगे ना, क्लास 11 पॉलिटिकल साइंस पर क्लिक करोगे तो पार्ट 1 आ जाएगा, फिर पार्ट 2 आएगा, फिर पार्ट 3 आएगा, उसके बाद में इस चैप्टर के MCQ और उसके बाद में इस चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो अपलोड करूंगा, ठीक है। और हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए भी विद नोट्स मैं वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, उसका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, बेसिकली प्लेलिस्ट का लिंक होगा डिस्क्रिप्शन में, ओके जी। तो फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट में हम पूरा का पूरा चैप्टर अच्छे से समझ चुके थे। मैंने आपको बताया था कि हमारा सिर्फ एक टॉपिक रह रहा है, दैट इज ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, ठीक है। जब मैंने आपको कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बारे में बताया था, तो मैंने आपको बताया था कि 9 दिसंबर 1946 को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की फर्स्ट मीटिंग हुई थी। उसके बाद 11 दिसंबर 1946 को सेकंड मीटिंग हुई थी, और उसके बाद जो मीटिंग हुई थी वो हुई थी 13 को तीसरी मीटिंग। और उसमें जो हमारे जवाहरलाल नेहरू थे, उन्होंने ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पेश किया, उन्होंने बोला कि जी ये सारी चीज़ें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में होनी चाहिए, और वही हम पढ़ने वाले हैं। डायरेक्टली 5 नंबर का क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में, ओके। तो चलो जी देखो उन्होंने क्या क्या बातें बोली। उन्होंने पहली चीज़ तो ये बोली कि इंडिया इज़ एन इंडिपेंडेंट सॉवरन एंड रिपब्लिक। जो इंडिया होगा वो इंडिपेंडेंट सॉवरन और रिपब्लिक होगा। इसका क्या मतलब है? इंडिपेंडेंट का मतलब तो आप समझ गए, आज़ाद। हम पहले अंग्रेजों के उसमें थे, बट अब आज़ाद हो गए, तो इसलिए इंडिपेंडेंट। सॉवरन का क्या मतलब होता है? सॉवरन उस कंट्री को कहते हैं जहाँ पर उसी कंट्री के लोग ही उस कंट्री पर रूल करें। मैं समझाता हूँ, क्या 1947 से पहले हम सॉवरन थे? द आंसर इज नो, क्योंकि हमारे पे अंग्रेज रूल कर रहे थे, हम सॉवरन कैसे हो गए? सॉवरन कंट्री उसे ही कहते हैं जहाँ पर उसी कंट्री के लोगों का रूल हो, किसी और कंट्री के लोगों का रूल ना हो, या किसी और कंट्री के किंग या क्वीन का रूल ना हो, ठीक है। 1947 से पहले हम सॉवरन नहीं थे, बट 1947 में आज़ाद होने के बाद हम सॉवरन बन गए। नेक्स्ट है जी रिपब्लिक। अब ये रिपब्लिक वर्ड का क्या मतलब होता है? ये बड़ा सिंपल है, रिपब्लिक उस कंट्री को कहते हैं जहाँ पर लोग वोट देकर अपने नेता को चुने। 1947 से पहले क्या हम एक प्रॉपर रिपब्लिक कंट्री थे? द आंसर इज नो, क्योंकि अंग्रेजों को हमने तो नहीं चुना था, है ना, वो तो खुद आ गए थे, अपना गवर्नर वगैरह वो चेंज करते रहते थे, जनरल डायर और बहुत सारे गवर्नर चेंज करते रहते थे। बट 1947 के बाद जो हमारे लीडर हैं उनको हम ही वोट देकर चुनते हैं, ठीक है जी। जो वायसराय वगैरह था उनको हम वोट देकर नहीं चुनते थे 1947 से पहले, बट 1947 के बाद जो भी हमारे PM वगैरह हैं, CM वगैरह, उनको हम ही वोट देते हैं, MLA MP को, ठीक है। तो बिल्कुल सही बात है कि इंडिया इंडिपेंडेंट सॉवरन और रिपब्लिक कंट्री रहेगा, ओके। चलो जी नेक्स्ट पॉइंट ये है कि इंडिया जो होगा यूनियन होगा। अब यूनियन का क्या मतलब है? यूनियन का मतलब है ग्रुप। इंडिया किस चीज़ का ग्रुप होगा? इंडिया ग्रुप होगा एस्ट वाइल ब्रिटिश टेरिटरी का। या देखो इसका मतलब यह है कि इंडिया एक ग्रुप होगा, किन किन का? इंडिया पहले उसका ग्रुप होगा जो ब्रिटिश के कंट्रोल में थे, वो एरिया जो राजा रानी के कंट्रोल में था, हमारे इंडियन राजा रानी के कंट्रोल में था वो एरिया, और साथ ही में जो इससे अलग था वो भी एरिया, उन सबको हम इंडिया में मिलाएंगे और उसका सिर्फ एक ही पार्ट होगा, ठीक है जी। ये लिखा हुआ इसको हम यूनियन कहेंगे। मेरे कहने का मतलब क्या है समझो, क्या हम ऐसे कहते हैं कि जी ये वाला एरिया अंग्रेजों के अंडर था, ये अंग्रेज वाला इंडिया है, ये राजा वाला इंडिया है, ये बाकी इंडिया, ऐसे बोलते हम? नहीं, हम इंडिया बोलते हैं। तो इसमें यही बात लिखी हुई है कि इंडिया शैल बी यूनियन ऑफ ईस्ट वाइल ब्रिटिश, यानी इंडिया जो होगा वो यूनियन कहलाएगा, किसका? ब्रिटिश इंडियन टेरिटरी का, इंडियन स्टेट का, और उन सभी पार्ट का जो कि इंडिया के अंदर शामिल होना चाहते हैं, ठीक है। अदर पार्ट आउटसाइड ब्रिटिश इंडिया एंड इंडियन स्टेट एज आर विलिंग टू बी द पार्ट ऑफ यूनियन, उन सबको हम एक यूनियन कहेंगे, इंडिया कहेंगे, जो कि अंग्रेजों के अंडर था, या जो इंडियन स्टेट थी, या जो राजा रानी के अंडर था, और जो भी इंडिया के अंदर शामिल होना चाहते हैं उसको सिर्फ हम इंडिया ही कहेंगे। ये नहीं कहेंगे अंग्रेजों का इंडिया, ये इंडिया, नहीं, सिर्फ एक ही इंडिया होगा, ठीक है जी। नेक्स्ट पॉइंट ये लिखा हुआ है कि टेरिटरीज फॉर्मिंग द यूनियन शैल बी ऑटोनोमस यूनिट एंड एक्सरसाइज ऑल पावर एंड फंक्शन ऑफ द गवर्नमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सेप्ट दोज असाइंड टू और वेस्टेड इन द यूनियन। अब इसका मतलब क्या है ध्यान से सुनो, इंडिया जो क्या था, इंडिया एक यूनियन था, किस किस का? अलग अलग पार्ट का, और वो अलग अलग पार्ट क्या है? वो है हमारे स्टेट। तो उसमें ये लिखा हुआ है कि जो भी इंडिया के यूनियन की जो अलग अलग टेरिटरीज होगी, अलग अलग स्टेट होंगे, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, UP, केरला वगैरह, सारी की सारी, इनके पास ऑटोनोमस पावर होगी, इनकी ऑटोनोमस यूनिट होगी। ऑटोनोमस का मतलब होता है इनके पास अलग, और ये अलग अलग स्टेट होंगे,
ठीक है, और उनके पास वो सारी की सारी पावर होगी जो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास नहीं होती। ठीक है, जो पावर जैसे मैं बताता हूँ, दिल्ली के सीएम है हमारे केजरीवाल जी और हमारे इंडिया के पीएम है मोदी जी। तो दिल्ली के सीएम की जो पावर है वो उनको दी गई है अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन। और ये कैसे पता चलता है, क्योंकि हमारे जवाहरलाल नेहरू ने जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन दिया था उनमें बोला था कि जो भी इंडिया की जो अलग अलग टेरिटरी है वो ऑटोनॉमस होगी और उनके पास वो सारी की सारी पावर होगी जो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास नहीं है। ठीक है, जो पीएम के पास पावर नहीं है वो सीएम के पास होगी। ओके जी, चलो अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट ये लिखा हुआ है हमारे उसमें ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में, ऑल पावर एंड अथॉरिटी ऑफ अ सॉवरन एंड इंडिपेंडेंट इंडिया एंड इट्स कॉन्स्टिट्यूशन शैल फ्लो फ्रॉम द पीपल। इसका मतलब है कि जितनी भी चीज़ें हैं ना इंडिया में वो लोगों के अकॉर्डिंग होगी और लोग ही उसको चलाएंगे। ठीक है, लोगों के अकॉर्डिंग ही होगा, मतलब अगर लोग चाहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज हो तो होगा, अगर लोग किसी चीज़ में चेंज चाहते हैं तो वो होगा, मतलब हर चीज़ लोगों के अकॉर्डिंग, लोगों के अच्छे के लिए की जाएगी और सारी की सारी पावर हमें लोगों से ही मिलती है, ये बात बोली गई थी। ठीक है, ऑब्वियस ही बात है जब लोग कॉन्स्टिट्यूशन को ही नहीं मानेंगे तो कॉन्स्टिट्यूशन किस बात का, है ना। तो इसलिए सारी की सारी चीज़ों की पावर लोगों से ही आती है। यस सर नो, चलो जी नेक्स्ट पॉइंट ये लिखा हुआ है कि कॉन्स्टिट्यूशन एंश्योर सोशो इकोनॉमिक जस्टिस फॉर ऑल। इसका मतलब ये है कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो किसी के साथ भेदभाव नहीं करेगा, सबको सोशो इकोनॉमिक पॉलिटिकल राइट इक्वल देगा, सबके साथ सेम व्यवहार होगा, सबको जस्टिस मिलेगा इक्वली। ओके, नेक्स्ट पॉइंट ये लिखा हुआ है कि कॉन्स्टिट्यूशन एंश्योर द प्रोटेक्शन फॉर माइनॉरिटी एंड अदर बैकवर्ड क्लासेस। इसका मतलब है जो भी हमारी माइनॉरिटी और अदर बैकवर्ड क्लासेस है ना, कॉन्स्टिट्यूशन उसको राइट देगा, उनको प्रोटेक्ट करेगा कि उनके साथ भेदभाव ना हो या कुछ गलत ना हो। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है कि मेंटेन द यूनिटी ऑफ आवर कंट्री। ठीक है, यूनिटी का मतलब है कि जो हमारा हमारी गवर्नमेंट है या हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो हमारी कंट्री की यूनिटी को बनाकर रखेगा। ठीक है, हम अपनी कंट्री की रक्षा लैंड से, वाटर से और एयर से करेंगे। ठीक है, और अपने लॉ के अकॉर्डिंग करेंगे। ठीक है, यही है मतलब इस पॉइंट का कि मेंटेन द यूनिटी ऑफ आवर कंट्री, कि कोई भी कंट्री हमारे पे हमला करके हमारा एरिया ना ले पाए, इसलिए हम अपनी कंट्री की रक्षा करेंगे, यूनिटी बनाए रखेंगे। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है कि एंश्योर वर्ल्ड पीस एंड वेलफेयर। इसका मतलब है कि जो इंडिया है वो वर्ल्ड पीस के लिए, पूरे विश्व की शांति के लिए और पूरे विश्व की वेलफेयर के लिए, पूरे वर्ल्ड के, पूरे अर्थ के वेलफेयर के लिए काम करेगा। ठीक है जी, चलो आई होप ये आपको समझ आ गया हो। लास्ट टॉपिक था, कोई इसमें कोई चीज़ में, कोई वर्ड में दिक्कत आई हो तो मेरे को नीचे कमेंट बॉक्स में बताना। ओके, बाकी दो तीन चैनल का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मतलब दे रखा है, मैं बता चुका हूँ, मेन पॉइंट टेक का, मेन पॉइंट स्टडी का, और मेन पॉइंट स्टडी तो यही है। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब जरूर करना है, ठीक है, क्योंकि आपका सपोर्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जितना आपने सपोर्ट किया 10th में उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू, दिल से थैंक यू, और आई होप कि 11th में भी आप उससे ज़्यादा सपोर्ट करो। ठीक है, तो मेन पॉइंट टैग और मेन पॉइंट गेमिंग वगैरह का और ब्लॉगिंग चैनल वगैरह का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नोट्स वगैरह के लिए आप टेलीग्राम चैनल, ठीक है, टेलीग्राम चैनल जो है वो मेन पॉइंट स्टडी 11 ब्रैकेट में आर्ट्स, कॉमर्स वाला मत कर लेना, आर्ट्स लिखा होगा, उसको आप ज्वाइन कर लेना। ठीक है, वहाँ पर नोट्स वगैरह और सारी की सारी चीज़ें मिल जाएगी। और इंस्टाग्राम का यानी मेन पॉइंट स्टडी का इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो कर लेना, बहुत सारे बच्चे पूछते रहते हैं सर नेक्स्ट वीडियो क्या आएगी, नेक्स्ट वीडियो क्या आएगी, तो वहाँ पर मैं बता दूंगा। ओके जी, और साथ ही में एक वेबसाइट भी दे रखी होगी नीचे डिस्क्रिप्शन में, पूरी वेबसाइट नहीं है अभी, वो क्लास 11 के नोट्स डालना बाकी है, बट अगर वो कंप्लीट हो गई होगी तो नोट्स आपको वहाँ भी मिल जाएंगे। ओके, बाकी नेक्स्ट वीडियो के लिए स्टे ट्यून, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, थैंक्स फॉर योर सपोर्ट, बाय बाय।